नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया में अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोट मछली पालन के बारे में। एक ऐसी मछली जिसका होलसेल प्राइस 600 से 650 रुपए केजी है, एक ऐसी मछली जिसकी इतनी मांग है कि भारत के किसान उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए ज्यादातर होटल्स को इसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। एक ऐसी मछली जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती ही देती है, साथ में नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी सब्सिडी देता है। एक ऐसी मछली जो साल भर बिकती है, साल भर इसका प्रोडक्शन होता है और साल भर इसकी मांग बनी रहती है, यानी कि इसे लग्जरी क्लास के लोग खाते हैं। तो इस मछली के बारे में बातचीत शुरू करते हैं कि कैसे आप इसे पाल सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस मछली को पालने के लिए आपको बनाने होंगे रेसवेस। रेसवेस वो टैंक होते हैं जिसके अंदर पानी फ्लो करता रहता है। एक टैंक में पानी हम डाल रहे हैं या फिर नेचुरल तरीके से डल रहा है तो दूसरे टैंक में पानी जाएगा, तीसरे टैंक में पानी जाएगा, तो फ्लो होता रहेगा। और पानी का इतना तेज फ्लो इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि इस मछली को हाई डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए। हाई क्वांटिटी में पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा इसे चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो इसीलिए पानी का फ्लो होता रहे इसलिए ऐसे टैंक बनाए जाते हैं। ये टैंक जो होते हैं इनके स्टैंडर्ड साइज होते हैं 15 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा। 17 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा। हम 17 मीटर वाले टैंक के हिसाब से आपको कितना सीट डालना है और आगे की सारी विधि बता देते हैं। अगर इसकी किस्मों की बात करें तो इसके अंदर 15 प्रकार की किस्में हैं, लेकिन भारत के अंदर रेनबो टॉटफिश और ब्राउन टॉटफिश ये दो ही सबसे बेस्ट इनका प्रोडक्शन होता है और ये दो ही ज्यादा पाई जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमें अपने टैंक के अंदर कितनी मछली के बच्चे डालने हैं। तो आपको बता दूं, इसका एक फॉर्मूला है। चाहे कितना भी बड़ा तालाब है, चाहे कितना भी छोटा है, उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने बच्चे हमें एक तालाब के अंदर डालने हैं। वो कैसे है? पर क्यूबिक मीटर के अंदर से हमें 20 किलो मछली का प्रोडक्शन लेना है जब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। तब 300 से 350 ग्राम का जो मछली का साइज है वो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। और वो कौन सी? इस मछली का। क्योंकि जब आप होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा प्लेट के अंदर एक मछली रखी होती है, साबुत मछली होती है, उसके ऊपर नींबू कटे हुए होते हैं, ऊपर मसाला डाला होता है। बड़े बड़े होटलों के अंदर ये डिश आम है और इसी डिश के लिए इस मछली को खरीदा जाता है। तो आप अब सोच के देखिए कि आपने एक किलो की मछली करके दे दी तो कोई कस्टमर क्यों खाएगा उसे? कौन सा खाएगा? जिसे 300 से 350 ग्राम स्टैंडर्ड साइज है वो खा सकता है। तो इसीलिए होटल वाले 300 से 350 ग्राम की मछली को खरीदते हैं। एक किलो के अंदर इसका मतलब तीन मछली बैठेंगी। अगर 300 ग्राम की है तो भी लगभग तीन मछली एक किलो प्रोडक्शन के अंदर बैठेगी। हमें एक क्यूबिक मीटर एरिया के अंदर करना है 20 किलो प्रोडक्शन, तो 20 गुना में तीन मछली तो ये हो गई 60। टोटल 60 मछली हमें एक क्यूबिक मीटर एरिया के अंदर पालनी होगी। अब क्यूबिक मीटर एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने तालाब की वॉल्यूम निकालनी होगी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा एक रेसवे है, उसका साइज है 17 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा। हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों को गुणा कर देते हैं तो निकल कर आता है 51 क्यूबिक मीटर। अब हम इस 51 क्यूबिक मीटर को गुणा कर देते हैं मछली से। 60 मछली है ना, तो 51 गुना में 60, 50 गुना में 60 3000, और एक 3060 मछली टोटल हमें इस तालाब के अंदर डालनी होगी, यानी एक रेसवे के अंदर इस साइज वाले के अंदर डालनी होगी। और 10% मछली हम ऐसी मान के चलते हैं जो मर जाएगी, यानी कि 306 मछली हम एक्स्ट्रा उसमें डाल देंगे, यानी कुल बीज जो है वो 3366 मछलियां हमें एक उसके अंदर जो है रेसवे के अंदर डालनी है। तो दोस्तों, मर मराकर भी हमारे पास हार्वेस्टिंग के टाइम तक 3000 मछलियां बच जाएंगी, यानी कि लगभग 1000 किलो माल हमारे पास हो जाएगा। और 650 रुपए होलसेल के भाव अगर वो बिकता है तो 6.5 लाख रुपए का माल हमारे पास बन जाता है। लेकिन हाँ, इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी हमने खर्चा नहीं घटाया।
खर्चा कैसे क्या क्या आएगा वो समझिए। 4 रुपए के हिसाब से मछली का पर बच्चा आपको मिलेगा, वो लगभग आप ये समझ लीजिए 4 × 3366 आपका 13,464 रुपए का यहां पर खर्चा आ गया। दूसरा, आप इस रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो एक रेसवे का लगभग 1,25,000 रुपए कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा। जो आप इसे मेडिसिन और फीड देंगे वो लगभग 2,50,000 रुपए आएगा, और जो लेबर आएगी वो हम ये मान के चलते कि 11,536 रुपए आपकी लेबर आ गई, ये कुल हो गया 4,00,000 रुपए। फिर भी आपको 2,50,000 रुपए बच जाएंगे, लेकिन 2,50,000 से भी आपको थोड़े ज्यादा बचेंगे। उसका कारण यह है कि हमने इसमें से सब्सिडी अभी तक माइनस नहीं की। सब्सिडी मिलेगी वो भी इसमें से माइनस हो जाएगी, और सब्सिडी इसमें अच्छी खासी मिलती है। अब रही बात कि और कौन सी ऐसी दिक्कत है, 2,50,000 रुपए तो बढ़िया है, तो आपको बता दूं कि 1 साल 3 महीने बाद आपको ये 2,50,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये उन मछलियों की तरह नहीं है कि झींगा की तरह 90 दिन में आप खेती कर लीजिए, आप जो है पेंगास की तरह उसका 8-9 महीने में आप उसका हार्वेस्टिंग कर लीजिए। नहीं, लगभग 1 साल 3 महीने 4 महीने इसको लगते हैं मछली को 350 ग्राम होने में, क्योंकि ये मछली ठंडे पानी की मछली है, और यही वजह है कि आप इसे हिली एरिया के अंदर अगर रहते हैं तो इसे आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा आप इसे ना करें। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाके से पानी बहता है, नीचे इन्होंने ये जो हैं रेसवेस बना रखे हैं, इनके अंदर से पानी होते हुए फिर से नदी में चला जाता है, और इस पानी के जरिए यहाँ पर इनकी मछलियाँ पल जाती हैं, एरिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उसी के साथ साथ वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि इस मछली को 5 डिग्री से मैक्सिमम 15 डिग्री तक का ही पानी चाहिए। 15 डिग्री से ऊपर अगर पानी गर्म है तो ये बढ़ नहीं पाएगी, और 5 डिग्री से ज़्यादा नीचे जाने लग जाए तो भी ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा ठंड में मछलियाँ ग्रोथ नहीं करती, और ये कोल्ड वाटर फिश है, इसीलिए इसे हिली एरिया के जो हमारे किसान भाई हैं वही करें, दूसरे किसान इससे आप ना करें। अगर आपका गर्म इलाका है तो आप वो खेती करें जो हम कर रहे हैं, झींगा मछली पालन, और झींगा मछली पालन के आपको बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी, वो वीडियोस आप जरूर देखें। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसके मतलब इस टोरेट के आप फिश फार्मिंग के फार्म देखना चाहते हैं तो ये कुछ फार्म यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये फार्म आप जाकर विजिट कर सकते हैं, लगभग हिमाचल प्रदेश के हैं, साथ में कुल्लू में घूम आइएगा और साथ में ये फार्म देख आइएगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी हिली स्टेशन के लोग हैं वो इस खेती को ज़रूर करें। वैसे तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर भी कुछ एरिया है जहाँ पर इसकी खेती होती है। देखते रहिए ABC इंडिया।